सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं जेन्युइन नॉलेज देने वाला हूँ ए टू जेड आई क्लाउड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे आई क्लाउड स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं जैसे मैंने कर रखी है, देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 260 MB यूज कर रखी है, और यहाँ पर आप कैसे अपनी इसेंशियल जो बहुत जरूरी डेटा है उसी को डालें आई क्लाउड पे, बाकी डेटा से आप स्टोरेज खाली रख सकते हैं। जैसे मैंने देखिए सिर्फ 260 MB डाल रखी है, जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पूरी नॉलेज दे दूंगा iCloud से रिलेटेड, फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटेड कह रहा हूं ये बात। अब यहां पर आपको इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग खुल जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर आपकी आईडी चल रही होगी उसके ऊपर चले जाना है, उस आईडी पे क्लिक करेंगे ना। आईडी पे क्लिक करते ही यहां पर आपको आपकी एप्पल आईडी दिख जाएगी और नीचे डिवाइसेस दिख जाएंगे जिसके अंदर ये एप्पल आईडी आपकी चल रही होगी। अब एक बात ध्यान रखिए, जितने भी डिवाइसेस के अंदर आपकी ये एप्पल आईडी चल रही होगी ना, उन सब के अंदर सेम iCloud स्टोरेज यूज हो रही होगी। मतलब कि आपको 5 GB ही iCloud स्टोरेज मिलती है एप्पल की तरफ से, ठीक है। अब वो 5 GB स्टोरेज ही मिलेगी आपको, चाहे आप कितने डिवाइस में सेम एप्पल आईडी से लॉगिन करेंगे ना, तो 5 ही मिलेगी आपको। चाहे उसमें आप 10 फोन चला लीजिए, चाहे उसमें आप 20 आईफोन चला लीजिए। तो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका फैमिली मेंबर है दूसरा, उसके अंदर आप उसकी हो सकता है सेपरेट आईडी बनवा दीजिए, क्योंकि उसके सेपरेट आईडी पे 5 GB फ्री iCloud स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको सारे डिवाइसेज मिल जाएंगे, मेरे पर्सनल यूज के हैं तो मैंने इसमें सेम एप्पल आईडी डाल रखी है ताकि मैं सिंक रहे मेरा सारा डेटा। अब यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, iCloud पे चले जाना है। iCloud पे जाने के बाद यहां पर आपको सारा डेटा दिख जाएगा कि iCloud ने कितनी स्टोरेज घेर रखी है और यहां पर कितनी स्टोरेज खाली है। तो यहां पर 5 GB हमें मिलती है iCloud में फ्री, ठीक है। उसमें से 260 MB सिर्फ यूज हुई है, बाकी सारी की सारी खाली पड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहां पर आपका मैनेज करने के लिए, आपको अगर बहुत ज्यादा ही यहां पर आपको पहले चेक करना है कि भाई क्या क्या ऐसी चीज आ गई जिन्होंने इतनी iCloud स्टोरेज घेर रखी है, उसके लिए आपको मैनेज स्टोरेज पे चले जाना है। मैनेज स्टोरेज पे जाने के बाद यहां पर आपको बता देगा कि कौन सी चीज ने कितनी कितनी GB घेर रखी है। जैसे कि iCloud ड्राइव ने 161 MB घेर रखी है। वॉइस जैसे मुझे कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग्स होती है वो मैं iCloud पर डाल देता हूं, उसने 78 MB घेर रखी है। अब फोटोज ने ओनली 12 MB घेर रखी है। मैं बताऊंगा, मैं आऊंगा धीरे धीरे, मैं आपको बस बता रहा हूं कि यहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कोई बैकअप नहीं बनाता हूं iCloud पे, तो ये मेरा बैकअप 0 KB है। अगर आपका कोई प्रीवियस बैकअप बना हुआ है तो उसको आप यहां से आके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको पता है कि अरे तो बहुत पुराना बैकअप हो गया, यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, जैसे ये iCloud ड्राइव है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई iCloud ड्राइव है क्या ये चीज, हमें तो पता ही नहीं iCloud ड्राइव है क्या ये। मैं बताता हूं, पहले मैं इसके अंदर का दिखाता हूं इसके अंदर है क्या। iCloud ड्राइव के अंदर जैसे ही आप जाएंगे ना, यहां पर आपको पता लग जाएगा कि रिंगटोन है, डाउनलोड्स है, फोटोज हैं। फोटोज में देखेंगे कि कौन कौन सी फोटोज हैं, फोटोज पे क्लिक करने के बाद ये फोटोज दिख जाएंगी कितने कितने एमबी की हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत स्पेशल टिप देना चाहता हूं, आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर फोटो है, वीडियो है, या कोई भी फाइल है ना, कोई भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है कि मैं तो भाई इसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूं, मैं पता क्या करता हूं, सिंपली उसको ये जो फाइल वाली चीज है ना, ये फाइल अब एप्पल ने दे दिया है, यही है iCloud ड्राइव जिसके अंदर आप वो डेटा डाल सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन ये आपका आईफोन यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त बना देगी, ठीक है। क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो यार किसी को पसंद नहीं आती, मुझे भी पता है, लेकिन ये सच में आपके बहुत काम आएगी। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं, जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो इस फाइल के अंदर रहेंगी, और ये फाइल ही, ये जो है ना, ये ड्राइव दिखा रहा था मैं जो आपको, ये जो फाइल है ना, यही iCloud ड्राइव है। अब इस फाइल के अंदर आपको मान लीजिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर फोटो है, मान लीजिए मुझे ये फोटो बहुत अच्छी लग रही है और मैं इसको खोना नहीं चाहता, अगर मेरा फोन भी खो जाए ना मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ये मेरी पिक या मेरी वीडियो या मेरी कोई भी नोटपैड की फाइल या मेरी कोई भी PDF, मैं इसको खोना नहीं चाहता, कुछ भी हो, आप इसको सिंपली शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे। शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहां पर नीचे सेव टू फाइल्स कर देंगे। सेव टू फाइल्स में पता क्या होगा, ये जो फोटो है या ये जो वीडियो है, ये जो कुछ भी है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये जो है ये आपके iCloud पे सेव हो जाएगा। दिखाता हूं मैं, ये iCloud ड्राइव है ना, ये जो मैं दिखा रहा था वहां पर सेव हो जाएगा, और ऐसे करके आप यहां फोल्डर्स के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फोटोज हैं तो फोटोज के अंदर सेव हो गया। अब यहां पर आके आप इस चीज को मैनेज भी कर सकते हैं, देखिए कितना इजी टू हैंडल हो गया iCloud मैनेज करना। अब यहां से आप इसको देखिए, मेरी फोटो आ चुकी है, अपलोड हो रही है, दिख रही होगी आपको बढ़ती हुई, ये देखिए अपलोड डन हो जाएगी ना, तो यहां पर ये जो है फोटो हमेशा के लिए रह जाएगी,
ठीक है, अब ये ब्राउज करके मैं चेक कर सकता हूँ कौन कौन सी फोटोज मैंने डाल रखी है। ये मेरी पहले अपलोड हो चुकी हैं और ये मेरी अपलोड अभी अभी हुई है, देखिए 5:04 पे। मैं इसको सिंपली यहां से, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं यार मुझे मैनेज करना है स्टोरेज, ज्यादा फोटोज हो गई हैं, तो यहां से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं। सिंपली डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ब्राउज में जाके आप यहां से अपने और डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको फोटो का एग्जांपल दे दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर करा सकते हैं आई क्लाउड के ऊपर। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखना कैसे है। ठीक है, अब मैं मैनेज की बात कर लेता हूं, मेन मुद्दे की बात पे आता हूं। एप्स यूजिंग आई क्लाउड में, यहां पर जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी आई क्लाउड को यूज कर रही होंगी ना, वो यहां पर आ जाएंगी। सबसे ज्यादा जो सबसे जल्दी भरती है ना चीज, वो है फोटोज। मैंने देखा होगा फोटोज सारी बंद रख रखी है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। अब आपके में हो सकता है ये ओपन हो, ऐसे 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 करके ये सारी चीजें ओपन हो, बट अब देखिए आपके में सारी चीजें ओपन हो सकती हैं। अब आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ना, वो बोलेगा कि आपकी जो फोटोज हैं जो iCloud पे हैं वो रिमूव हो सकती हैं। इसके लिए आपको बंद करने के लिए ना आपकी सारी फोटोज का बैकअप जरूर बना लेना है किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, आप अपने पीसी के अंदर बैकअप बना सकते हैं, सिंपली कनेक्ट करेंगे आप अपने पीसी के अंदर बैकअप बना सकते हैं, iTunes से सारी फोटोज को अपने पीसी के अंदर डाल सकते हो। और ये सारी चीजें बंद कर दें, यहां से ये सारी चीजें बंद रखेंगे ना, इससे पता क्या होगा, इससे फोटोज और वीडियोस आपकी iCloud पे नहीं जाएंगी। और एक आपको पता है कि अगर आपने एक 4K वीडियो भी बना ली ना, वही एक एक दो दो GB की हो जाती है। वो सारी चीजें आपके iCloud पे स्टोर रहती है और फालतू की जगह घेर के रखती है। iCloud स्टोर पे वही चीजें डालें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे डालने का तरीका है, फाइल्स के थ्रू। आपको बस फोटोज बंद रखनी है, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। फोटोज बंद करेंगे ना तो बोलेगा कि भैया आपने जो आप फोटो बंद करेंगे ना तो रिमूव हो सकती है कुछ फोटोज, क्योंकि वो iCloud पे पड़ी हुई है, आप यहां से स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो आपको ये फोटोज का बैकअप बना लेना है पहले, फिर बंद कर देना इन सारी फोटोज को। ठीक है, ये बंद रखना है आपको। अब मेल्स को हमेशा बंद रखना है, कोई जरूरत नहीं होती कनेक्ट करने की मेल्स को। कॉन्टैक्ट्स को आप ऑन रख सकते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं खोने चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट्स को ऑन रख सकते हैं जैसे मैंने रख रखा है। कैलेंडर बंद रख सकते हैं, रिमाइंडर बंद रख सकते हैं, नोट्स। नोट्स क्या होते हैं, अब जैसे मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना तो मैं लिख लेता हूं नोट्स के अंदर बेसिकली, और वो चीज मैं क्लाउड पे स्टोर इसलिए रखता हूं ताकि मैं अपने आईपैड में भी चला सकूं, क्योंकि सिंक रहता है ना डेटा। मैंने आपको बताया था सेम आईडी यूज करता हूं मैं, तो मैक में भी चला लेता हूं, वही सेम नोट्स को एक्सेस कर सकता हूं, इसलिए मैंने ऑन रख रखा है। आप बंद भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैसेज को बंद रखिए, ये सारी चीजें बंद रखनी है आपको, सफारी भी, स्टॉक्स भी, होम्स भी, हेल्थ भी। अगर आप फिटनेस से रिलेटेड रखना चाहते हैं डेटा, भाई मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस से, मैंने कितना वजन कम करा, ये सब चीजें, तो ये आप रख सकते हैं। बाकी मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने बंद रख रखी है। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट है की चेन। भाई ये की चेन क्या है, की चेन ये होती है, मैंने इसको वैसे बंद रख रखा है, की चेन ये होती है। मान लो मैंने इसके अंदर कोई वाईफाई, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई मैंने इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट किया। अब मान लीजिए मेरा ये फोन है, इसके अंदर भी सेम आईडी चल रही है, तो कीचेन अगर मेरा ऑन होगा ना, ये ऑन होगा तो इसके अंदर भी सेम आईडी चल रही होगी ना, तो बिना पासवर्ड डाले मैं उसी वाईफाई से कनेक्ट हो सकता हूं। मतलब ये पासवर्ड शेयर करती है, समझ रहे हो, तो मुझे पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बंद रखा है। ठीक है, अब यहां पर बैकअप, iCloud बैकअप ऑफ है, इसको भी आप ऑफ रखें। अब यहां पर आपको मान लो बैकअप बनाना है, भाई मुझे तो iCloud का बैकअप बनाना है, तो यहां पे आप सिंपली ऑन करके iCloud का बैकअप, और जैसे ही बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। किन चीजों का बैकअप बनना शुरू हो जाएगा, जितनी चीजें आपने ऑन रखी होंगी, ये ऑन रखी है ना सारी चीजें, ये सारी चीजें ऑन रखोगे ना, मतलब जो जो चीजें आपने ऑन रखी होंगी ना, उन सबका iCloud बैकअप आप डायरेक्टली मैनुअली बना सकते हैं। मैनुअली बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो बैकअप बन जाएगा आपका iCloud स्टोरेज पे, अपडेट हो जाएगा बेसिकली, सिंक हो जाएगा, पहले बना रखा होगा तो सिंक हो जाएगा पूरे फोन का, जो जो चीजें आपने ऑन रख रखी होंगी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो iCloud को यूज करती हैं। बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं रीड नहीं करता, आई मूवी की भी कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट्स भी बंद कर देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वॉइस मेमो मतलब कोई रिकॉर्डिंग हो गई पर्टिकुलर, उसको मुझे सिंक करना है तो मैं इसको ऑन रखता हूँ, क्योंकि मेरी पर्टिकुलर नीड है इसलिए मैंने ऑन रख रखा है, बाकी मैं अभी बंद कर देता हूँ, मुझे अभी इतनी भी कोई पर्टिकुलर नीड नहीं है। अब यहाँ पर ये बाकी सारी एप्लीकेशन है, बायनांस है, ये सब ये एप्लीकेशन है, इन सब एप्लीकेशन का मैंने बंद इसलिए रख रखा है क्योंकि ये पहले से ही इनका डेटा होता है, वो अपने स्टोरेज पर रखती है, तो मुझे इसमें iCloud पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपका कुछ लोगों का WhatsApp का भी ऑन रहता है, मतलब इसका यह है कि आप अगर WhatsApp को ऑन रखेंगे ना, तो यहाँ से आप सिंपली अपनी WhatsApp चैट्स का बैकअप जो है वो iCloud पे बना सकते हैं। WhatsApp चैट्स का बैकअप, वो मैं बता देता हूँ कैसे। सेटिंग पे जाना है, चैट्स पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा पे जाएंगे ना, जैसे ही आप यहाँ पर आपको मैनेज स्टोरेज दिख जाएगा। ठीक है, मैनेज स्टोरेज में ये जो चैट्स है ना, मतलब 700 MB की चैट्स हैं, 800 मतलब ये जो है जितनी भी दिख रही है 680 MB की चैट्स है ना, इसका बैकअप जो है वो iCloud पे बन जाएगा। इसका यूज जब होता है, जब आप कोई फोन स्विच कर रहे हो। कैसे बनाना है, सिंपली आपको चैट्स पे जाना है, चैट्स पे जाने के बाद
चैट बैकअप दिख रहा होगा, चैट बैकअप पे जाएंगे, बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे ना, बैकअप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका बैकअप जो है सारी चैट का व्हाट्सएप पे बन जाएगा। आप दूसरा आईफोन में स्विच करेंगे तो जैसे ही रिस्टोर करेंगे ना तो सारा चीजें वापस आ जाएंगी, इसको ऑन रखेंगे जब, ठीक है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी व्हाट्सएप चैट का, मुझे बैकअप बनाने की जरूरत नहीं है फालतू में, तो मैंने बंद रख रखी है इसको। जब मुझे जरूरत होगी कभी इन फ्यूचर, कभी नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं आईफोन स्विच करता हूं ना तो मैं पहले बैकअप इसका iTunes में बना लेता हूं लैपटॉप के अंदर, जो बहुत फास्ट एंड कन्वीनियंट वे होता है। डायरेक्टली मैं लैपटॉप के अंदर बनाता हूं और नया आईफोन लेता हूं, बैकअप इंस्टॉल कर देता हूं उसके अंदर, जैसा ही आईफोन होता है वैसे ही हो जाता है, तो मुझे iCloud में बैकअप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो गाइज, अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं भाई, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी वीडियो आपकी नेट पे चली गई है, कौन सी वीडियो आपकी iCloud में गई है या नहीं गई है, कैसे कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं, कैसे नोट्स को देख सकते हैं, कौन कौन सी फाइल आपके iCloud पे है, वहां से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि फोटोज आपको यहां से बंद करेंगे ना तो 30 दिन तक वो रहेंगी आपकी iCloud पे, मतलब वो सारी फोटोज आपके आईफोन से चली जाएंगी, iCloud पे रहेंगी। तो कैसे देखें यार कौन कौन सी फोटोज वीडियोज पड़ी हुई हैं iCloud पे, यार वो मैं अभी आपको बता देता हूं इसी वीडियो में, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पर सफारी पर चले जाना है। वैसे ये काम आपको लैपटॉप्स या पीसी या आईपैड से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी मोबाइल से दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखना है iCloud.com लिखना है। iCloud.com लिखते ही यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर मुझे बोल रहा है मेरी आईडी इसने पकड़ ली, इसी आईडी से मुझे लॉगिन होना है, तो मुझे हाँ तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आपको कोई डिफरेंट ईमेल आईडी से लॉगिन होना है तो यूज डिफरेंट एप्पल आईडी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। सिंपली मुझे इसी एप्पल आईडी से लॉगिन होना है ना तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा और ये मेरा फेस आईडी स्कैन कर लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पर ये iCloud खोल देगा जहां पर मुझे दिखा देगा कि भाई ये आपकी फोटोज हैं, ये आपके नोट्स हैं, ये आपकी सारी चीजें हैं। यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं और स्टोरेज भी कर सकते हैं। देखिए मुझे फोटोज दिखा दी इसने, iCloud ड्राइव दिखा दी, iCloud ड्राइव वही मैंने दिखाई थी, फाइल्स मेरे नोट्स दिखा दिया और फाइंड माई आईफोन दिखा दिया। अब मैं इन तीनों का यूज बता देता हूं आपको। सिंपली आपको फोटोज में चले जाना है, फोटोज में जैसे ही जाएंगे ना आपको तो यहां पर बता देगा कि आपकी सारी फोटोज दिखा देगा, जितनी भी फोटोज का इनने बैकअप बना रखा होगा, ठीक है, फोटोज का या वीडियोज का। सिंपली जितनी भी फोटोज iCloud पे बनी हुई होंगी ना वो सारी दिखा देगा। ये मेरी फोटोज जो है वो iCloud पर डली हुई हैं, जैसे कि देख सकते हैं मैंने बंद कर रखा था और डिफॉल्ट फोटोज हैं। अब यहां से आपकी बहुत सारी फोटोज हो सकती हैं, यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे, आप डिलीट भी कर सकते हैं वो फोटो। जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे ना तो आपके iCloud के अंदर से वो फोटो डिलीट हो जाएगी और आपकी स्टोरेज खाली हो जाएगी। ऐसे ही आप एल्बम्स में जा सकते हैं, एल्बम्स में जाने के बाद यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एल्बम्स बन जाएंगी, वीडियोज की अलग होंगी, फोटोज की अलग होंगी, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी फोटोज हैं कितनी वीडियोज हैं। सिंपली आप यहां से डिलीट कर सकते हैं फोटोज वीडियोज जो अनवांटेड हैं, बिल्कुल भी यूज नहीं करते उन फोटोज को, जो बेकार है, बिल्कुल में बेकार जगह घेर रखी है, आपको लगता है कि अरे तो पता नहीं क्यों जगह घेर रखी है इसने फालतू में, है ना, वो आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहां से आप जितनी जितनी डिलीट करते रहेंगे ना फोटोज, आपकी iCloud स्टोरेज उतनी खाली होती रहेगी। यहां से आप मैनेज कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब यहां से आपको बिल्कुल ही रिसेंटली डिलीट में से 30 दिन के बाद, जैसे दे रखा 40 डेज, पहले 30 दिन था, 40 डेज के बाद अपने आप डिलीट कर देगा ये फोटोज को अगर आपने संभाल के नहीं रखी तो। मान लो रिसेंटली डिलीट में चली गई तो 40 दिन तक रिसेंटली डिलीट के अंदर वो फोटोज रहेंगी, उसके बाद वो रिमूव कर देगा। अब यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं इसको, मैं अगर रिकवर करना चाहता हूं तो रिकवर कर सकता हूं, डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट कर सकता हूं डायरेक्टली, 40 दिन का मुझे वेट नहीं करना भाई, डिलीट कर अभी तत्काल प्रभाव में, अभी दिखा मुझे क्या कर सकते हैं। ये हो गई फोटोज वीडियोज ऐसे मैनेज कर सकते हैं। रुको रुको कहां जा रहे हो अभी, अभी यहां पर मैं आपको iCloud ड्राइव का बता देता हूं। iCloud ड्राइव यहां से भी मैनेज कर सकते हैं और यहां से तो मैंने दिखाई दिया, सेम वही सीन है, मैं जल्दी दिखा देता हूं, सेम वही है, सेम यहां से रिमूव जितने डाल सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब यहां से आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स जो मैंने बताया था जो मैं लिखता हूं, तो यहां पर ये नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। अब फाइंड माय आईफोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपका आईपैड है, जैसे मेरा आईपैड है, ठीक है, मेरे एयरपॉड्स हैं, वो सारे के सारे जो इस एप्पल आईडी से कनेक्ट होंगे ना वो यहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। अभी तो एरर दिखा रहा है लेकिन अभी यहां पर वो सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर दिख जाएंगी। मुझे अभी साइन इन कह रहा है, चलो ठीक है बाद में देखेंगे, वो यहां पर दिख जाएंगे। सिंपली आप यहां से फाइंड माई आईफोन, अगर कोई प्रोडक्ट खो गया है तो यहां से आप फाइंड माई आईफोन यूज कर सकते हैं। अब एक चीज तो रहेगा यार, तूने कॉन्टैक्ट्स तो बताई नहीं मुझे, कॉन्टैक्ट्स कहां से देखूं, मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने सेव हैं। अब यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है आपको बहुत सारी चीजें चाहिए तो आपको यूज मोर एप्स, आपको आईपैड के अंदर खोलनी पड़ेगी ये वेबसाइट, या फिर लैपटॉप के अंदर खोलनी पड़ेगी, कंप्यूटर के अंदर खोलनी पड़ेगी, किसी के अंदर भी खोलनी पड़ेगी, तभी आप इनके और फीचर्स का यूज कर सकते हो। जैसे फोटोज वोटोज तो कर सकते हो आप, कॉन्टैक्ट्स
सेटिंग, रिमाइंडर, ये सब चीजें आपको ना ये विंडोज पीसी इन सब में खोलनी पड़ेंगी। तो मैंने तो आपको फोन में समझा दिया, ये सारी चीजें आप विंडोज में पीसी में कर सकते हैं। तो अगर भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, सच में बहुत मेहनत लगती है भाई, ए टू जेड नॉलेज दे दी, जितना मुझे पता था ना वो मैंने सारा इस वीडियो में झोंक दिया है। तो भाई लाइक नहीं करा ना तो सच में मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक कर देना भाई, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।